हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी गुड न्यूज है। हालांकि सारी न्यूज़ क्या है आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। इसके अंदर से क्या चीज़ निकल के आई है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नोटिस है एम्स दिल्ली के, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2000 जो पोस्टें सारी थी उनका एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाला है, ये कन्फर्मेशन आ चुका है, ठीक है। कन्फर्मेशन में किस आधार पर बता रहा हूँ वो मैं आपको देता हूँ। जैसे कि यस्मीन जो है कैंडिडेट थी जिन्होंने केस किया था, फाइनली वो केस जीत चुकी है, ठीक है। बट अभी तक उनका ये कंफर्मेशन दिल्ली की तरफ से, दिल्ली एम्स की तरफ से नहीं आया था, बट फाइनली आज दिल्ली एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तेजाब से, जो भी पीड़ित है छात्राएँ, तो उनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एड कर लिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली एम्स के क्राइटेरिया में नहीं था, बट ये संविधान में था, हमारे जस्टिस में था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट इसलिए उनको मानना पड़ा केस, इसलिए यस्मीन जी जीत चुकी है। फाइनली जितना भी टाइम लगा वेस्ट हुआ टाइम, वो फाइनली अब अपडेट आ चुकी है। अब उन्होंने बोला है, दिल्ली एम्स ने फाइनल रिजल्ट दे दिया है कि क्या दिया है कि 4 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप री अप्लाई कर सकते हैं, उसको अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो उसको मैंशन कर सकते हैं, बट जो अदर कैंडिडेट होंगे वो मैंशन नहीं कर सकते, और जो न्यू कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अब एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है, डेट अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, डेट जल्दी कंफर्मेशन हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम पे एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ओके, खुश रहो, खुश रखो, बाय फ्रेंड्स।